लोगों को जोड़ना है, सामान बिकवाना है। मैंने गलत तरीके से पापा को बताया और पापा समाज में रहते तो उनको सुनने की होगी उन्होंने कि ये कंपनी वो कंपनी। पापा ने एक बात बोली कि बेटा हमने दुनिया देखी है। क्या हमने दुनिया देखी है? मैंने पापा से एक बात बोली कि पापा यही तो आपने गलती करी है, क्योंकि 90% लोग इस दुनिया को देखने आते हैं, 10% लोग इस दुनिया को दिखाने आते हैं। मैं दुनिया को देखने नहीं, दुनिया को दिखाने आया हूं। मैंने अपने दोस्तों को बताया, लगभग स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग क्या काम करते हैं, प्रेजेंटेशन दिखाते, ज्वाइनिंग नहीं आती, उनका मोटिवेशन डिमोटिवेशन में कन्वर्ट हो जाता है। माय डियर फ्रेंड, जब मैं लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाया करता था तो एक उम्मीद थी, एक आशा थी कि बहुत बड़ा होगा। मेरे पहले 25 गेस्टों ने मुझे रिजेक्ट करा कि ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। मैं अंकल को प्रेजेंटेशन दिखाया करता था तो लोग बाग मुझसे बोला करते थे कि जितनी तुम्हारी एज है उतना बड़ा हमारे पास एक्सपीरियंस है। मैं कॉलेज में रहता था, मेरे दोस्त जो मुझसे कहते थे अजीम कुछ भी हो तेरे लिए जान दे देंगे, उन्होंने मेरे साथ ज्वाइन नहीं किया। मेरे रिश्तेदार, मेरे अड़ोसी, मेरे पड़ोसी, सब लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। बट माय डियर फ्रेंड, एक बात पता थी कि अगर जिंदगी में कुछ बड़ा इंसान बनना है ना तो मैं जॉब से बन नहीं सकता, मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, वो है वेस्टी। और ज्वाइन करा, ज्वाइन करने के बाद जो लोग मुझे ये बात बोलते थे कि पागलों का बिजनेस है, टॉपी पहनाने का बिजनेस है, हमेशा से एटीट्यूड अपने स्ट्रॉन्ग रखा, पॉजिटिव एटीट्यूड रखा कि आज नहीं तो कभी लोग समझेंगे। मैं करता गया, जिन लोगों ने पागल बोला मैंने उनसे एक ही बात बोली कि भाई देख, BMW में दो लोग बैठते, एक आगे बैठते, एक पीछे बैठते, एक नौकर होता है, एक मालिक होता है। अपनी पोजीशन अपने को डिसाइड करनी है, नौकर बनना है कि मालिक। और आज जो दोस्त मुझे मना कर रहे हो ना, कोई बात नहीं, मेरा आज देख के मेरा जो समझेंगे नहीं बात को, उन्हें कल तरसाएंगे मुलाकात को। माय डियर फ्रेंड, ना दिन देखा, ना रात देखी, ना धूप देखी, ना बरसात देखी, अंदर विश्वास लिए कि जिंदगी में कुछ करना है। नॉर्मल लाइफ इंजॉय नहीं करनी, काटनी नहीं है, जिंदगी में कुछ अलग करना है, जो कि 5% दुनिया के लोग करते हैं। कॉमन पीपल लुक्स फॉर वर्क, बट स्मार्ट पीपल लुक्स फॉर नेटवर्क। एक आम आदमी हमेशा आम काम की तलाश में रहते हैं, वही जो स्मार्ट लोग होते हैं वो नेटवर्क बनाते हैं। और मुझे पता लग गया था कि मेरे पास नेटवर्क बनाने के अलावा, इस चीज के अलावा कोई ऐसा सिस्टम नहीं, ना मेरे पास पैसा है, ना मेरे पास एक्सपीरियंस है, ना मेरे पास नॉलेज है। और यहाँ पर अपलाइन बोलता है कि आप आगे बढ़ सकते हो, ज्वाइन करा, करते करते आज इस चीज के अंदर एज अ डायमंड एक्टर के लेवल पे हूँ। बड़ी बात नहीं है, एक फॉरेन ट्रिप करके आ चुका हूँ, बड़ी बात नहीं है, बैंकॉक एंड थाईलैंड, पटाया एंड वर्ल्ड के टॉप 10, एशिया के टॉप 10 वाटर पार्क, दैट इज अ कार्टून नेटवर्क वाटर पार्क। वहां हमने जितना एंजॉय करा शायद मैंने अभी किसी वाटर पार्क में। मेरी अचीवमेंट क्या है, आज अपनी वेस्टीज की बदौलत, अगर मेरे जिंदगी में वेस्टीज नहीं होती तो शायद मैं आज कहीं जॉब कर रहा होता, सुबह जाता, शाम को आता, जिंदगी के अंदर मैं सवारी डेली करता, सुबह घर वाले लात मारते, रात को बॉस लात मारता, जिंदगी में बस की कंडक्टर की तरह मेरी लाइफ हो जाती, सवारी डेली करता, लेकिन आना जाना कहीं नहीं है। आज सर वेस्टीज की बदौलत आज लगभग 9 लाख रुपए की गाड़ी से चलता हूँ, व्हाइट कलर होंडा SMT बाहर खड़ी, आप लोग देखते महीने की आमदनी, अगर महीने की आमदनी में बताऊँ, महीने की आमदनी 1,10,000 है, किसी को विश्वास ना है तो अभी ऐप खोल के मैं आपको दिखा सकता हूँ। बस एक चीज सोची, जब फूल गया तो गोल गप्पा नहीं, पापड़ी तो है। फॉर एग्जाम्पल, क्या नाम है सर आपका? सौरभ जैन। एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ सर, कौन सा साबुन यूज करते हैं? अभी तो वेस्टीज का कर रहा हूँ, उससे पहले डव या कोई भी अदर साबुन यूज करते हैं। एक साबुन आप यूज करते हो, मैं भी यूज करता हूँ, आपका साबुन भी नाली में जाता है, मेरा भी नाली में जाता है, आप भी अच्छी क्वालिटी में करते हो, मैं भी अच्छी क्वालिटी का करता हूँ, आपका भी झाग बनाता है, मेरा भी झाग बनाता है। क्या आपके साबुन आपके पास पैसा लेकर आता है? लेकिन मेरा साबुन 1,10,000 रुपए लेकर आता है, कौन सा यूज करना पसंद करता है? 1,10,000 रुपए वाला। 1,10,000 रुपए बहुत अच्छी क्वालिटी का करता हूँ, मैं भी बहुत अच्छी क्वालिटी का करता हूँ, आपका भी झाग बनाता है, नाली में जाता है, मेरा भी बनाता है, नाली में जाता है, लेकिन मेरा पेस्ट वर्ल्ड टूर कराता है, कौन सा करना पसंद करो? वर्ल्ड टूर वाला। तो दोस्त एक चीज समझ लो कि अगर जिंदगी बदलनी है, वी आर ए पीक पॉइंट ऑफ दैट इज सेलिंग। अगर जिंदगी बदलनी है, जो इंसान चाय पत्ती नहीं बदल सकता वो जिंदगी नहीं बदल सकता। चाय पत्ती बदलने से अगर लाइफ बदलती है तो माय डियर फ्रेंड, सोचने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाले से, घर वालों से सिर्फ आशीर्वाद लेने की जरूरत है। एंड काम करना स्टार्ट करो, जो होगा देखा जाएगा। और मैं हमेशा से एक बात बोलता हूँ कि अगर आप चलना स्टार्ट करोगे ना, आप गिरोगे, आप रुकोगे, आप थकोगे, लेकिन अगर चल के, गिर के फिर आप उठ के आगे चलोगे तो माय डियर फ्रेंड आपको सफलता जरूर मिलेगी, इसमें कोई दो शक नहीं। तो कर सकते हैं, देख लो, देख लो, काम बन रहे, लाख रुपए। मैं हमेशा धर्मेंद्र जी से एक बात बोलता हूँ कि सर आग लगा लो सीने में जब तक लाख ना आए महीने में।
कर सकते हैं। yes! एक कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप सुनना चाहते हैं। yes! Yes! Yes, no? yes! अगर कहानी अच्छी लगे तो ताली जरूर बजाना और दिल खोल के बजाना। एक जंगल के अंदर दो जानवर होते हैं, एक शेर होता है, कई दिनों से भूखा होता है, शेर खाने की तलाश में जंगल में घूम रहा होता है, और एक खरगोश होता है, वो खेल रहा होता है। तो शेर देखता है कि जंगल के अंदर खरगोश मिल गया, अब इसको मैं खाऊंगा और अपने भूख मिटाऊंगा। वो खरगोश को देख के जंगल का राजा शेर उसके पीछे भागता है और खरगोश आगे आगे भागता है। बहुत देर हो जाती है लेकिन खरगोश को नहीं पकड़ पाता और खरगोश कहता है शायद इतनी दूर भागना मेरे पास पॉसिबल नहीं है। वो गड्ढे में घुस जाता है। एक मिनट, दो मिनट, तीस मिनट, एक घंटा हो जाता है लेकिन उसे अपनी जान प्यारी होती है, वो बाहर नहीं आता। शेर को भूख लगी होती है, कभी अब बाहर आए और मैं अपने कई दिनों की भूख मिटाऊंगा, लेकिन उसको जान प्यारी होती है, वो नहीं आता। तो खरगोश से शेर हार थक के एक बात बोलता है कि एक बात बता, इस जंगल का राजा मैं, मेरी भुजाओं में बहुत ताकत है, मैं बहुत तेज दौड़ता हूँ, जंगल के सारे जानवर मुझसे डरते हैं, बट एक बात बता, मैं तुझे क्यों नहीं पकड़ पाया। माय डियर फ्रेंड्स, खरगोश ने एक बात बोली कि मुझे पता है महाराज, इस जंगल के राजा आप हो, आपकी भुजाओं में बहुत ताकत है, आप बहुत तेज दौड़ते हो, जंगल के सारे जानवर आपसे डरते हैं, बट आपके और मेरे भागने में एक चीज का फर्क था कि आप भाग रहे थे दो वक्त के खाने के लिए और मैं भाग रहा था अपनी जिंदगी बचाने। तो ये मत सोचना 2,000-1,500-3,000 रुपए आ जाए, माय डियर फ्रेंड्स, अपनी आने वाली सात जनरेशन के लिए कर लगे। आज कुछ ऐसा करके जाना है कि आने वाली सात जनरेशन हमें याद करें। मैं सच बता रहा हूँ, वी आर हियर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, दैट इज अ नेटवर्क मार्केटिंग। बहुत बड़ा कर सकते हैं, तैयार है? यस विद दिस थैंक यू सो वेरी मच एंड थैंक्स अ लॉट।